इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मलजी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, रिशित, हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटर एक और वस्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता पश्चिम बंगाल। आपके पास भी वो सामर्थ्य ही नहीं है और दुनिया का कोई शख्स आपके दुखों को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति, कहते जरूर है कि तुम्हारे सारे दुख मुझे मिल जाए, कहते हैं ना तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए, आपकी बीमारी हमें मिल जाए। ऐसी भावना करने से उसकी बीमारी तुम्हें मिल सकती है क्योंकि आपने राग से भावना भाई है, लेकिन उसकी बीमारी मिट ही जाए ये कोई पक्का नहीं है। उसकी बीमारी मिटेगी अपने ही साता भावों से, जब उसका तीव्र साथी से पुण्य उदय में आएगा। इसीलिए जब भी असाता सताने लगे तो प्रभु की भक्ति करने में लीन हो जाओ। असाता करम जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तुम स्वयं में समाना जिया, सुख शांति दाता ये चेतन ही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सुख शांति का निकेतन अगर कोई है तो तुम्हारी चेतन आत्मा। उसको समझो और अपने स्वरूप को समझोगे तो तुम्हें कोई दुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। शरीर में जो कुछ भी चलता रहे, बाहरी वातावरण में जो कुछ भी चलता रहे, देखो ना धन्य, ओहो धन्य है वो जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे जीवन में दुख आए हैं तो सुख भी आएगा और सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं। आप लोग तो हमेशा सुनते ही रहते हैं, दुख आवे छे सुख जावे छे, दुख आवे छे सुख जावे छे, अने सुख आवे छे दुख जावे छे, सुख आवे छे दुख जावे छे, आवत जता सुख दुख मावत जता सुख दुख मामे, मस्त रहिए छिए अमे मस्त रहिए छिए, सुख आवे छे दुख जावे छे। ये तो आते जाते रहेंगे पर शाश्वत सुख मुझे मिले, प्रकट हो मुझ में से, बस यही कामना से आप सभी लोग भक्ति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बस वही कर रहा था धन्य कुमार, गुरु की भक्ति में लीन हो गया और वो सोचने लगा कि गुरु के चरण तो जहाँ जहाँ पड़ते वो धरा धन्य हो जाती है, और आज गुरु के चरण मेरे घर पर पड़े हैं। मेरी अपनी भले छोटी सी झोपड़ी हो लेकिन मेरा घर है, माँ का बनाया घर है, उसमें गुरु के चरण पड़े। जिनके प्रवचनों ने कितने कितने हृदय को पवित्र कर दिया, परिवर्तित कर दिया, ऐसे पावन गुरु के चरण उनकी दिव्य ऊर्जा सारी झोपड़ी में ऐसी भर रही है, अद्भुत प्रकाश जैसा हो रहा है। धन्य ये सामान्य नहीं है, महान रिद्धि के धारी मुनिराज हैं। अभी आपको पता चलेगा कौन से रिद्धि धारी मुनिराज थे। और वह धन्य ने मन भर करके पवित्र से पवित्रतम उच्च क्वालिटी का पुण्य बंध कर लिया, मुनिराज का आहार दान दे करके। वह देखता रहा और ये भाव करता रहा, मुनिराज थोड़ा सा और आहार ले और थोड़ी सी खीर खाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की जो भावना करते हैं एक एक दाने पर, एक एक बूंद पर, वह ऐसी भावना करता है मुनिराज एक मास के उपवास किए हैं और गगन से गमन करते हुए मेरी छोटी सी झोपड़ी में आए हैं, मेरा हृदय भी पवित्र करके जाना गुरु महाराज। हा
आज मेरा तीव्रता से पुण्य कमाने का दिन है और आपको देख करके मेरे भाव बहुत पवित्र होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी महान आत्माओं को देख करके भावों में बहुत विशुद्धि आती है, पवित्रता आती है, हमारे संकलेश दूर हो जाते हैं, विशुद्धि भावों का संचार होता है। जो जितना व्यक्ति परमात्मा के करीब में रहेगा उतना ही उसके पास में दिव्य ऊर्जा का रहेगा, ये निश्चित बात है। जो निज परमात्मा के करीब या जिन परमात्मा के करीब रहेगा वह बालक धन्य देखता रहा मुनिराज को निहारता रहा और गजब हो गया। माँ की ममता ने, गुरु की समता ने और अकृत पुण्य की क्षमता ने तीव्र पुण्य का कमल खिला दिया, तीव्र साथी से पुण्य का कमल खिला दिया और आहार मुनिराज का संपन्न हो गया। कल तो आप लोगों ने भी खीर नहीं खाई थी, लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को खीर मिल ही जाए। माँ ने बनाई है, कितने दिनों से तैयारी कर रही है। हाँ, तैयारी से क्या मतलब, जब तक कि अपने मुंह में ना जाए तब तक मतलब ही क्या है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे आहार संपन्न हुआ, माँ ने मुनिराज के कमंडल में प्रासुक जल भरा और कहा, बेटा मुनिराज को छोड़ने जाओगे और तुम्हें तनिक सन्निधि मिलेगी मुनिराज की। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे दीजिए कमंडल। और उत्साह उसके अंदर आया, ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी से खीर खाने को मिल जाए, नहीं, मुनिराज का समागम जितनी देर तक मिले बस मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि वो सामान्य मुनि नहीं थे, भावलिंगी शुद्ध उपयोगी अरिधिधारी मुनि भगवंत थे। उनका आभा मंडल इतना प्रदीप्त था, इतना दिव्य था कि एक पल भी अकृत पुण्य छोड़ना नहीं चाहता था। अब मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं उसे अकृत पुण्य कहूं या कृत पुण्य कहूं। कर लिया है पुण्य जिसने, उसका नाम है कृत पुण्य, और जब जिसने अभी तक पुण्य किया ही नहीं उसका नाम है अकृत पुण्य। अब तो मेरे ख्यालों से उसका नाम अंदर ही अंदर में बदल चुका है, कृत पुण्य हो गया है, सुकृत नाम हो गया है उसका। और वह कमंडल लेकर के चला जा रहा है मुनिराज के पीछे पीछे। मुनिराज उस कहता है, माँ मैं मुनिराज से क्या बोलूंगा, बता दो ना, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो माँ कहती है, देखो बेटा, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो ना तो दो बातों का हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे पिताश्री कहा करते थे कि दो बातों पर हमेशा नियंत्रण करना चाहिए, अगर आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए, आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए, और जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण करना चाहिए। हाँ बेटा, जानकारी नहीं है तो शब्दों पर नियंत्रण करो। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनको पता नहीं रहता फिर भी चेहरे से ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हंसते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सब कुछ पता है, पूछो तो गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा झूठा व्यवहार मत दिखाना। अपनी झूठी शान दिखाने का कोई औचित्य नहीं आता है तो नहीं आता है, भगवान तो जानते हैं ना कि मुझे नहीं आता है, तो अच्छी बात है, कह दीजिए कि मुझे नहीं आता है। तो धन्य की माँ ने समझाया, बेटा देखो जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। महाराज जी अगर कुछ पूछे तो विनय भाव से, नम्रता से उन्हें जवाब देना, और नहीं बने तो हाथ जोड़ करके कह देना, महाराज जी मैं कुछ भी नहीं जानता। ठीक है माँ, वो चलता है और आगे जा करके वो सोचता, मुनिराज कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो पूछेंगे, लेकिन मुनिराज ने तो कुछ पूछा ही नहीं। जैसे ही जंगल शुरू हुआ और वहां पर भयंकर पशुओं की चित्कारें आने लगी, तो मुनिराज ने कहा, वत्स अब तुम लौट जाओ, अब जंगल की शुरुआत हो गई है, फिर तुम अकेले कैसे लौटोगे, तुम्हें घर भी तो जाना है। मुनिराज ने कहा, तो उसने सोचा कि मुनिराज की आज्ञा को टालना भी नहीं चाहिए। माँ ने कहा था ये बहुत महान होते हैं, इनका एक शब्द भी अगर हमारे लिए निकल जाए तो सौभाग्यशाली मानना। तो ठीक है मुनिवर, आप जैसी आज्ञा दें मैं घर लौटता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी कल्याण हो, मैं भी कभी आपके जैसा बन सकूँ, ऐसा पुण्य इकट्ठा कर सकूँ, मुझे भी आशीर्वाद दो। जिन जैसा बन सकूँ ऐसी भावना मन में लिए वह आशीर्वाद मांगता है। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं जा सकता।
अब वह बालक गुरु महाराज को छोड़ करके दौड़ता हुआ आता है और घर पे आते ही कहता, माँ माँ अब तो हम खीर खाएंगे। खाओगे ना आप लोग भी? हाँ, 3-4 दिन हो गए खीर बनते बनते बनते, लेकिन बनी तो कल ही थी। हाँ माँ, अब मैं खीर खाऊंगा। ठीक है बेटा, आज तुमने बहुत पुण्य कमाया है, इसीलिए तो माँ मुझे बहुत खुशी है। अगर मैं बिना पुण्य कमाए खीर खा लेता तो क्या मजा था माँ। ऐसे तो कई पापी लोग भी खाते हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया, आपके कारण से मैंने पुण्य कमाया और मुनिराज ने मुझ पर बड़ी कृपा की है माँ, अब खीर दो। और वह खीर खाना शुरू करता है। क्या टेस्टी खीर! ओहो, जुबान चारों तरफ लगाता है और नाक से भी सुगंध लेता है। माँ कितनी अच्छी सुगंध है! लेकिन मुनिराज ने तो जुबान बाहर भी नहीं लगाई थी और ऐसे नाक से श्वास भी नहीं ली थी, खुशबू भी नहीं ली थी। माँ, उनको अच्छी नहीं लगी क्या अपनी खीर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये महामुनीश्वर हैं, ये राग द्वेष रहित होते हैं, पंचेंद्री के विषयों पर वह हमेशा अनासक्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, मन विजयी होते हैं, काम चेता होते हैं, इंद्रिय विषयों के चेता होते हैं। बेटा ये महान है, इनके शब्दों इनकी महिमा गाने के लिए तो मेरे पास में शब्द भी नहीं है। अच्छा माँ, वो इतने महान है, इतने महान है। हाँ बेटा, तुम चाहे कितने ही लंबे हाथ करो, तुम्हारे हाथ पहुंच नहीं पाएंगे, वो तो सुमेरु से भी ऊंचे हैं। अच्छा माँ, और उनके गुणों की गहराई बेटा समंदर से भी गहरी होती है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। अच्छा अब तुम खा लो, भरपेट खा लो, खीर खाओ बेटा। माँ भी खाती है, बेटा भी खाता है, लेकिन एक अचरज की बात यह है, मुनिराज ने भी अच्छे से आहार किया लेकिन खीर में कोई कमी नहीं आई। जो भगोना भरा हुआ था वो जो का त्यों भरा, एक बूंद भी कमी नहीं आई, और उसके स्वाद में, उसके सुगंध में और वृद्धि हुई है। इसमें कमी तो हुई नहीं, इतनी देर से भगोना खुला था, कुछ तो महक बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन महक में वृद्धि हो गई, खुशबू में वृद्धि हो गई, और जो का त्यों भगोना भरा पड़ा है। माँ को आश्चर्य हुआ, बेटा तू देख रहा है ना? हाँ माँ, यही तो मैं देख रहा हूँ, महाराज में कुछ तो जादू था। चुप बैठ, जादू वादू नहीं करते अपने महाराज, तो समझता नहीं है, मैंने पहले ग्रंथ पढ़ा था। हाँ, 64 रिद्धि मुनिराज कैसे होते, उसमें एक रिद्धि होती अक्षीण रिद्धि, जिसके दो भेद होते, अक्षीण महालय और अक्षीण महानस। ये दो रिद्धियां, ये अक्षीण रिद्धि के दो भेद होते हैं। ये अक्षीण रिद्धि के धारी थे, अक्षीण महानस रिद्धि थी उनके पास में। तो यहाँ पर जब आए, महानस का अर्थ होता है रसोई, रसोई कम होती ही नहीं, जो मुनिराज आहार में लेते हैं वो चीज घटती ही नहीं। तो फिर माँ, ये तो बहुत बड़ा अजूबा चमत्कार हो गया ना, बहुत अच्छे महाराज। इस तरह से उनका गुणानुवादन करता 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 वो भरपेट खीर खाता है। और फिर माँ ने सोचा, ये खीर तो ज्यों की त्यों है, आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया जाए, उनको भी बुलाया, भरपेट खिलाया, लेकिन एक बूंद भगोने में खीर कम नहीं हुई। सारी नगर के लोगों को न्योता दे दिया, आस पास के गांव के लोग आए और वह बड़े बड़े भगोने लेकर के आए, खा भी गए, ले भी गए, लेकिन खीर में कोई भी कमी आई ही नहीं। फिर शाम ढले, संध्या के समय पर, अभी रात हुई नहीं है, संधि काल आया नहीं है, और फिर उसने कहा, धन्य ने, माँ सवेरे का तो हमने खा लिया था, पर शाम को भी खीर तो ज्यों की त्यों है, और भरपेट खा ले माँ। हाँ हाँ बेटा, तेरे ही लिए है, खा ले बेटा। और भरपेट खाया, और सारे नगर के लोगों को, जितना खाना है उतना खाओ, जितना ले जाना है उतना ले जाओ, ले गए लोग और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अपन तो सोचते थे कि ये गरीब क्या महाराज को खिलाएगी, लेकिन उसने तो सारे नगर को न्योता दे दिया, आस पास के गाँव के लोग भर भर के ले गए, ऐसा न्योता तो कभी हुआ ही नहीं, गजब का। वाह भाई वाह, बड़ी दिलदार निकली है तो। हाँ, दिलेर निकली, बहुत अच्छा, और खीर भी कोई सामान्य नहीं थी, अद्भुत, आज तक ऐसी खीर नहीं खाई। सारे लोगों ने काफी प्रशंसा की, पर जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, भगोना पूरा खाली हो गया।
मतलब रिद्धि भी नहीं चाहती कि कोई भी रात में भोजन करे। वो रिद्धि है महान तपस्वी महामुनि भगवंतों के तप के प्रभाव से उत्पन्न हुई रिद्धि है। कैसे रात्रि में भोजन कर सकते हैं? नहीं, न करा सकती है और न ही श्रावकगण कर सकते हैं, क्योंकि एक एक टुकड़ा भी अन्न का खाएंगे, भोजन करेंगे, कुछ भी खाएंगे आप, वह रात्रि में भोजन करना मांस भक्षण के बराबर दोष है। सच्चा जीवी तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय जो जीवोत्पत्ति हो जाती है संधि काल आते ही, तो वह भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि सब मेरे मुंह में जाएंगे और स्वाहा हो जाएंगे, उनका मरण हो जाएगा। इसीलिए सच्चा जैनी रात में भोजन कर नहीं सकता। और यही हुआ, रिद्धि के प्रभाव से दिन भर पूरी खीर भगोनी में लबालब भरी रही, लेकिन जैसे ही शाम ढली खीर समाप्त, भगोना खाली, एक बूंद भी नहीं मिलेगी आपको। आश्चर्य तो हुआ, अब वह सो गया रात में, तो ऐसा सोया क्योंकि खीर जम के खाई थी उसने, कई कई जीवन में पहली बार ही खाई थी उसने बड़े पुण्य के उदय से। तो वह सोया तो ऐसा सोया कि सवेरे बहुत देर हो गई, माने कहा धन्य, धन्य नहीं अकृत पुण्य। हाँ, अब हमारी कहानी इधर फ्लैशबैक में चल रही है, मालूम है ना आप लोगों को। हाँ, अब कैसे वह धन्य बनता है वो आपको समझना है। हुआ ये, माँ ने कहा अकृत पुण्य जागो, सवेदा हो गया है, तुम्हें पशु चराने नहीं जाना क्या? हाँ माँ, जल्दी करो। और वह दौड़ा पशुओं को लेकर के, जा करके बैठता है एक वृक्ष के नीचे, फिर उसे नींद आ जाती है क्योंकि खीर का बहुत प्रभाव था उसके ऊपर। अब उसको नींद आ जाती है, खीर इतनी खाई थी ना इसलिए नींद आ रही थी, पर अंदर में तो वो जाग गया था, खीर का प्रभाव ऐसा था कि अंदर में वह जागृत हो चुका था। अब वह जैसे ही वहां गया तो सो गया, शाम ढल गई, सारे पशु घर आ गए, लेकिन अकृत पुण्य नहीं आया, बेटा तो आया ही नहीं। माँ ने उधर उधर देखा और दूर तक गई भी, आवाज लगाई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं दी। तो उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी मेरा बेटा नहीं लौटा, शाम ढल रही है, रात घिरने को है, आप कृपया करके जाए और देखे मेरा बेटा कहाँ खो गया है, वो पशुओं को चराने गया था, अभी तक लौटा नहीं है। मुखिया जाता है लाठी लेकर के, तो वह दूर से देख लेता है अकृत पुण्य की, हाँ ये मुखिया आया है लाठी लेकर के, मुझे मार भी सकता है। उसको देख करके वो छिप जाता है और पहाड़ों की ओट में छिप जाता है। तो मुखिया ने भी देख लिया कि हाँ वो गुफा के पास में छिप गया है, अरे आ जाएगा, वो खेल खेल रहा है मुझे देख करके। और घर आकर के माँ से कह दिया, मुझे देख करके वो इधर उधर छिप रहा था, खेल रहा था, चिंता मत करो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन हुआ कुछ और ही, रात बीत गई, रात बीत गई है, और उधर से सारे लोग तो अपने घर पहुंच ही गए थे, वह सिर्फ अकेला, कौन? अकृत पुण्य, जो पशुओं को चराने गया था। अब देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। वो छुप जाता है तो वहां पर एक आवाज उसको आती है, प्रातः काल सवेरे सवेरे एक आवाज आती है, बड़ी सुरीली आवाज, कौन है यह? जा करके देखता है, गुफा के पास में एक महामुनीश्वर विराजमान है और उनकी दिव्य आवाज, दिव्य देशना खिल रही है, मतलब वह उपदेश दे रहे हैं। और उनके पास में बड़े बड़े राजे महाराजे मुकुट लगाए, पगड़ी लगाए, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, विद्याधर आदि। वो दूर से देखता है, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं तो गरीब हूँ, कहीं मुझे लात मार करके बाहर कर दिया तो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। और वह चुपचाप वहीं पर गुफा के बाहर बैठा, दुबक करके सुनता रहा। अब वह सुनता है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, क्या है पाप, क्या है पुण्य, वो सारी व्याख्या सुनता है, बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनता है। ये ऐसे ही महाराज है जैसे मेरे घर पर पधारे थे ना, बहुत पुण्यशाली है, मुझे इनका दर्शन कब मिलेगा, सोचता है। और उनका एक एक शब्द अक्षरशः सुनता है, सुनते 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 उसके भीतर का परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि मिट्टी गीली तो हो ही चुकी थी।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मलजी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटर एक और वस्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता पश्चिम बंगाल।